नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता को खुद संपर्क करते हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के दिल में जो इस समय कुछ चल रहा है प्रीता के लिए, अब वो चीज उसी से बताते हुए नजर आने वाले हैं। इधर दोस्तों अब सृष्टि भी बोलती हुई नजर आएगी कि दीदी मानो या मत मानो, लेकिन मुझे पता ना अर्जुन के लिए ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें अंदर ही अंदर प्यार करता है। दोस्तों वाकई में काफी बड़ा टूच देखने को मिल रहा है, जहां पर अर्जुन की जो फीलिंग है वो प्रीता के लिए एक बार फिर से डबल होने जा रही है। वहीं प्रीता का मानना यह है कि अर्जुन जैसे गुंडे को तो मैं घास भी ना डालूं, क्योंकि अर्जुन मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, ये मुझे ये समझ नहीं आता ये बिजनेसमैन किसने बना दिया है, इसे तो गुंडा होना चाहिए था। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लगातार प्रीता का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है अर्जुन के लिए, लेकिन दोस्तों जो भविष्यवाणी हुई थी वो एक बार फिर से सिद्ध होने जा रही है, क्योंकि एक पंडित ने बहुत पहले ही बोला था कि प्रीता सुहागन ही थी शुरू से और आज भी वो ही सुहाग चल रहा है। लेकिन अब प्रीता को कहीं ना कहीं अर्जुन के ऊपर डाउट होने लगा है कि कुछ तो ये बदला जरूर ले रहा है, या तो कुछ इसके अंदर है, लेकिन वो अब वो चीज़ करण से जोड़ रही हैं कि क्या ये करण भी हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि करण की हर चीज़ अर्जुन में मैच करती हैं। अब प्रीता को डाउट हो चुका है कि ये करण ही तो नहीं है जो अर्जुन का भेष लेके घूम रहा है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्रीता पूरी तरीका से फंस चुकी है सोच में ही, लेकिन अर्जुन ने बोल दिया है और अर्जुन ने प्रॉमिस भी किया है अंजलि से कि अंजलि मैं एक ना एक दिन प्रीता से शादी करके और प्रीता को ऐसा धोखा दूंगा कि प्रीता सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ में आखिरकार कौन सी घड़ी खेली गई है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइज कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना सपोर्ट किया।